दोस्तों नमस्ते। आज हम मूंग की दाल की दही बड़े बनाने जा रहे हैं। पहले हमने दाल को भिगोया है, अब इसको हमने पीस लिया है। ठीक है, दही बड़ों के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? ये दही है और ये काला नमक है, और ये जीरा है भुना हुआ, ये सौंफ है, और ये चटनी है। ठीक है, और ये थोड़ी सी हम हींग डालेंगे, और ये इलायची, हरी इलायची है ये। ठीक है, थोड़ी सी लाल मिर्च लेंगे, थोड़ा सा नमक लेंगे स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, और थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई। हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा भी डालेंगे हम। ठीक है, थोड़ी सी अदरक डालेंगे और थोड़ा सा धनिया डालेंगे हम, थोड़ी सी हम ये हींग डालेंगे। ठीक है, और थोड़ी हरी इलायची के दाने, बस ये, थोड़ा सा सरसों का तेल, सरसों के तेल में सेंकेंगे। और मैं हाथ से बना रही हूँ, और दाल की भुजिया भी बना के दिखा रहे हैं आपको। तो हमने बोला कद्दूकस किया, और थोड़ा सा हम ये डालेंगे चिरौंजी। ठीक है, ये चिरौंजी और ये हम बनाएंगे। ठीक है, भुजिया बन के तैयार। चिरौंजी डालेंगे, ये मूंग की दाल की भुजिया बनके तैयार है। थोड़ी सी हम इसमें चटनी मिलाएंगे,
जो सूजी और दही मिलाया हमने, सूजी और दही और चटनी, धनिया, हरे धनिया, हरी मिर्ची की चटनी है, थोड़ी देर रख देंगे, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। सूजी और दही, और इसमें थोड़ी हमने हरी इलायची डाली है बस, और हरे मिर्च, हरे धनिया की चटनी, थोड़ा सा पानी लगाया हमने यहाँ पर, दही वही भुजिया हमने जो बनाई है, ये भुजिया जो हमने बनाई है मूंग की दाल की, ठीक है, अब इनको हम सजा लेंगे। ये सूजी वाले हैं दही बड़े, ठीक है, इनको हम इस तरह से, और ये भुजिया, हमने भुजिया को लगाया इस तरह से, ठीक है, और ये हम इनको सजाएंगे। चटनी से सजाएंगे हम, जीरा डालेंगे, धनिया रखेंगे, थोड़ी सी मिर्ची भी रखेंगे, ये सूजी की दही है, और ये भुजिया, ये भुजिया मैंने भी बनाई, अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, और असटपुरिया चैनल पर, थैंक यू।